नमस्कार दोस्तों। तो अगर आप सब्जियों की खेती जैविक तरीके से करना चाहते हैं, वो भी सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग या सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के द्वारा, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस पद्धति में जो भी हम घटक इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जीवामृत हो या फिर फसल सुरक्षा के लिए कीटरोधी जैसे नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी, इन सभी के बारे में बात करेंगे, और या टॉनिक के इस्तेमाल करने के बारे में हो, चाहे सप्तधान्य अंकुर अर्क उसको किस टाइम पे इस्तेमाल करना है, चाहे या फफूंदनाशी जिस खट्टी लस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, उन सभी का इस्तेमाल, उनके छिड़काव की समय सारणी क्या रहेगी, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक देखना है और आपका काम हो जाएगा। और जहां तक बात रही कि अगर आपको सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पद्धति के नाम आपने पहली बार सुना है, तो हमारे चैनल पे इसकी वीडियोज पहले से पड़ी हुई है। नेचुरल फार्मिंग प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, उसमें जाके आप देख सकते हैं, या फिर आप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। प्राकृतिक खेती सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, आप वहां से जाके दे सकते हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बीज बुआई या रोपाई के 1 महीने बाद हमें जीवामृत की स्प्रे करनी है। जीवामृत की स्प्रे कितना लीटर लेना है? 5 लीटर जीवामृत कपड़े से छाना हुआ लेना है और 100 लीटर पानी लेना है। ये जो सारी सामग्री आपको बताई जा रही है प्रति एकड़ के लिए। तो दूसरा छिड़काव हमें कब करना है? 10 दिनों के बाद। पहले छिड़काव के 10 दिनों बाद अब यहाँ पे आ जाता है हमारा कीटरोधियों का इस्तेमाल। जैसे कि 10-100 लीटर नीमास्त्र ले सकते हैं हम, या फिर 100 लीटर पानी प्लस 3 लीटर दशपर्णी अर्क ले सकते हैं। इसमें से आपको या नीमास्त्र ले लीजिए या फिर ये जो आपको बताया है दशपर्णी अर्क ले सकते हैं। इनमें से एक जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप ले लीजिए। दूसरे छिड़काव 10 दिन के बाद फिर से करना है। उसमें क्या करना है आपको, 100 लीटर पानी ले लीजिए और 2.5 लीटर खट्टा मठा छाछ या लस्सी जिसको, या फिर 3 दिन पुरानी होनी चाहिए ये, और इसको सोर बटर मिल्क भी कह देते हैं इंग्लिश में। पहला, दूसरा, तीसरा। अब ये जो तीसरा छिड़काव के 10 दिन बाद हमें करना है, चौथा छिड़काव, उसको क्या करना है, 150 लीटर पानी लीजिए और 10 लीटर कपड़े से छाने हुए जीवामृत ले लीजिए और इसको स्प्रे कर दीजिए। पांचवा छिड़काव चौथे छिड़काव के 10 दिन बाद, इसमें क्या करना है हमें, फिर से हमें या ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कीजिए, दशपर्णी अर्क इस्तेमाल कीजिए। ये 150 लीटर पानी प्लस 5 लीटर ब्रह्मास्त्र ले लीजिए, या फिर 150 लीटर पानी लीजिए, 150 लीटर पानी प्लस 5 से 6 लीटर दशपर्णी अर्क, ठीक है, यहाँ पे 5 लीटर ब्रह्मास्त्र, इनमें से एक ले लीजिए जैसे आपको सुविधा अनुसार लगे। और छठा, पांचवें छिड़काव के 10 दिन बाद फिर से 150 लीटर पानी लीजिए और इसमें 4.5 लीटर छाछ ले लीजिए और इसको स्प्रे कर दीजिए, ठीक है। और फिर छठे के सातवां, छठे छिड़काव के 10 दिन बाद 200 लीटर पानी लीजिए और 20 लीटर कपड़े से छाना हुआ जीवामृत। सातवें छिड़काव के 10 दिन बाद, 6 हो गए, 7, 8, फिर 200 लीटर पानी लीजिए और 6 लीटर अग्नियास्त्र या फिर दशपर्णी अर्क ले सकते हैं आप, 6 से 7-8 लीटर, ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं। अब सेकंड लास्ट छिड़काव रह गया हमारा, आठवें छिड़काव के 10 दिन बाद, इसमें 200 लीटर पानी और 6 लीटर छाछ 3 दिन पुरानी, ठीक है। और लास्ट में अब हमारा ये जो सप्तधान्य अंकुर अर्क का छिड़काव होगा या टॉनिक वर्धक शक्ति वर्धक जो टॉनिक इस्तेमाल किया जाता है इस खेती में, उसके बारे में है। तो आपको जब फल या फलियां कुल आकार का 50% होंगी तब ये इस्तेमाल करना है। तो ये 200 लीटर पानी या फिर इसके अलावा अथवा या सप्तधान्य अंकुर के अलावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं 200 लीटर पानी और 6 लीटर छाछ 3 दिन पुरानी। ये दोस्तों समय सारणी है सारी सब्जियों की खेती के लिए, वो भी प्राकृतिक खेती सब्जियों की सुभाष पालेकर प्राकृत खेती पद्धति के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट कीजिए, आपके सवाल का उत्तर देने की जरूर कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही था, नमस्कार। I just wanna be